Audio Jungle. प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में तो आज की वीडियो में हम फाइल्स के अंदर कुछ मोड्स देखेंगे। मेनली हमने रीड मोड को देख लिया था कि राइट मोड कैसे वर्क करता है पिछले ट्यूटोरियल में, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आर प्लस मोड की, ए प्लस मोड की और डब्ल्यू प्लस मोड की, ठीक है? तो इनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर प्लस मोड की, जिसका मतलब होता है, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको काफी अच्छी तरीके से डिटेल में लिखा हुआ, और बाकी जो मोड्स हैं उनके बारे में मिल जाएगा। वो मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीड मोड क्या है, राइट मोड क्या है, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। तो मैं आर प्लस मोड के बारे में बताता हूँ, जिसका मतलब है रीड देन राइट, पहले रीड करो फिर राइट करो, ठीक है? आर प्लस मोड का मतलब। अब मैं क्या करता हूँ, एफ इक्वल्स टू ओपन फंक्शन का यूज करके अपनी फाइल खोलता हूँ, कि मेरी फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल बना रखी है उसको, और अब क्या करता हूँ उसमें खोलने के बाद मोड लिखता हूँ, कि मोड में लिख देता हूँ मैं आर प्लस, ठीक है? तो आर प्लस मोड में मैं इस फाइल को खोल रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डाटा इक्वल्स टू मैं एफ रीड, जो मेरी फाइल को रीड करेगा, ठीक है? उसके बाद अब मैं लिखता हूँ, राइट करता हूँ इसमें एफ डॉट राइट, ठीक है? क्या बोला है, रीड देन राइट, तो मैं राइट करता हूँ इसमें, मैं लिख देता हूँ इसमें I think you all are getting concept of Python. ठीक है, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं प्रिंट डाटा भी करवा लेता हूँ साथ साथ, प्रिंट डाटा। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए आ गया प्रिंट होके। बट अब एक डाउट आ रहा होगा कि यार आपने जो राइट के अंदर लिखा है वो तो आया ही नहीं है, है ना? राइट के अंदर जो लिखा है वो तो आया ही नहीं है। तो मैं अपनी फाइल खोलता हूँ जहां पे मेरे को लिखना था, ठीक है? फाइल 1.txt, ये देखिए आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, फाइल के अंदर आ गया है। अब यहाँ क्यों नहीं आया, तो दोस्तों मैंने राइट फंक्शन से पहले कमांड पास कर दी रीड की, तो फाइल मेरी ऑलरेडी रीड हो चुकी थी, ठीक है? तो ये ऑलरेडी रीड होके प्रिंट होके आ गई। अब मैंने रीड होने के बाद उसमें राइट करा है ना, रीड होने के बाद राइट करा है, तो रीड होने के बाद राइट करा है तो फाइल के अंदर तो आ गया, पर यहाँ पे ये मेरी विंडो में इस जगह पर नहीं आया, कोड विंडो पे इस जगह पर आ गया है वो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा आर प्लस मोड वर्क करता है। अगर आपको अब भी थोड़ा डाउट है तो मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं प्रिंट एफ डॉट टेल, ठीक है? हमें पता है टेल फंक्शन क्या करता है, हमारे पॉइंटर की पोजिशन को बताता है। फिर मैं यहाँ भी लिख दूं प्रिंट एफ डॉट टेल, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट एफ डॉट टेल यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ डॉट टेल। इसी तरीके से लिखने के बाद एक प्रिंट एफ डॉट टेल लिखता हूँ बाद में, जो मेरे पॉइंटर की पोजीशन बताएगा मेरे को कर्सर की, ठीक है? तो अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसने मुझे बता दिया कि पहले 0 पे था, ठीक है? फिर 158 पे था, फिर 203 पे था, फिर आई थिंक यू आर गेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। 203 पे कैसा है, तो 203 पे मेरे लिखने के बाद ही आया है, क्योंकि यहाँ पे एफ टेल जो मैंने लिखा है ना, दूसरा वाला एफ टेल जो लिखा है, तो ये मैंने उसके बाद ही लिखा है। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, तो आप लोगों को आई थिंक अब ग्रैब हो गई होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे होने के बाद पूरे को कमेंट आउट कर लेता हूँ, और अब फाइल खोलते हैं हम दूसरे मोड में। अब खोलते हैं हम डब्ल्यू प्लस मोड में, डब्ल्यू प्लस मोड, जिसका मतलब है पहले राइट करेगा देन रीड करेगा। ऊपर वाले का मतलब क्या था, पहले रीड करेगा देन राइट करेगा, फर्स्ट राइट देन रीड,
सीरीज का मतलब यह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू प्लस मोड, हमें जो टास्क परफॉर्म करना होता है उसके हिसाब से मोड को चूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एफ राइट, पहले राइट करेगा फिर रीड करेगा, तो मैं लिखता हूँ हेलो दोस्तों, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ डाटा इक्वल्स टू में एफ डॉट रीड, अब रीड करेगा और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, डाटा को हमारे जो मैंने वेरिएबल बनाया किसे। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए कुछ भी नहीं आया, ये कुछ भी क्यों नहीं आया। अब 2 मिनट सोचिए वीडियो रोक के, आई नो आप इसका आंसर जानते हैं। पहले मैंने फाइल में राइट कर दिया, तो जब मैं यहाँ पे मैं फाइल खोलता हूँ और जब मैंने फाइल में राइट कर दिया तो ये सबसे पहले करता क्या है पता है, देखिए यहाँ दोबारा चलते हैं हमारी इस पे, मोड फर्स्ट राइट देन रीड करेगा, पहले राइट करेगा फिर क्या करेगा रीड करेगा। और इसकी एक और खास बात है, ओपन फॉर राइटिंग देन ओवर राइटिंग कर देता है। ओवर राइटिंग का मतलब क्या है, ओवर राइटिंग। अब ओवर राइटिंग से यहाँ पे मतलब ये है कि ये क्या करेगा, हमारी जब फाइल खोलेगा तो ये शुरुआत से लिखेगा, उसे पहले एम्प्टी कर देगा फिर लिखेगा ये। तो ये हमारी फाइल डॉट txt थी, इसने इसे एम्प्टी कर दिया और उसके बाद इसने खोला, तो हमारी स्क्रीन पे कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने एम्प्टी करके उस पर क्या लिख दिया, हेलो दोस्तों। जब इसने हेलो दोस्तों लिख दिया तो हेलो दोस्तों लिखने के बाद लास्ट में कर्सर इस पॉइंट पे था, और इस पॉइंट पे कर्सर होने के बाद मैंने कमांड दी कि इसे अब रीड कर दो। तो जब इस पॉइंट पे कर्सर होने के बाद मैं इस कमांड दूंगा रीड कर दो, तो रीड क्या करेगा, कुछ है ही नहीं आगे रीड करने के लिए, तो इसलिए इसने स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे डब्ल्यू प्लस मोड को भी। अब हम लास्ट मोड देखते हैं हमारा, जिसका नाम है ए प्लस मोड। ए प्लस मोड अब किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, ये जो मोड होता है अपेंड करने के लिए होता है, ठीक है। और अपेंड करने के लिए किस तरीके से होता है, अपेंड डाटा इन अ फाइल। अब मैं दिखाता हूं आपको, तो देखिए पहले इसमें कमेंट आउट कर लेता हूं, यहाँ पे ए प्लस मोड लिख देता हूं। इसके बाद अब मैं करता हूं क्या हूं, यहाँ पे अब मैं कमांड पास करता हूँ, सबसे पहले क्या करता है डाटा को अपेंड करता है, अपेंड माने होता है कि डाटा को राइट करता है। तो मैं लिखता हूँ एफ डॉट राइट और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं हेलो दोस्तों, पर ऊपर वाले और इसके अंदर एक हमारा डिफरेंस है, वो मैं इसे करने के बाद लिखने के बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। एफ डॉट रीड और मैं प्रिंट कर लेता हूँ हमारे डाटा को, अरे डाटा, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए स्क्रीन पर कुछ नहीं आया, बट मैं अब फाइल डॉट txt खोलता हूँ तो हेलो दोस्तों और हेलो दोस्तों आ गया। हेलो दोस्तों कैसे आया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने w प्लस मोड रन कर दिया था तो मेरी फाइल खाली हो चुकी थी, उस टाइम फाइल में सिर्फ हेलो दोस्तों रह गया था। तो यहाँ तक फाइल में मेरे हेलो दोस्तों था, ऊपर वाली कमांड तक। अब ये भूल जाना कि फाइल में वो सब था कि हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग है, क्या है, फाइल में वो नहीं था, फाइल में इस टाइम पे था मेरा हेलो दोस्तों, क्योंकि मैंने जब डब्ल्यू प्लस मोड का यूज करा था तो उसने मेरी फाइल को खाली करके उसमें ओवरराइट कर दिया था हेलो दोस्तों, यहाँ तक ये काम हो गया। अब मेरा अपेंड क्या करता है, अपेंड मेरा ओवरराइट नहीं करता, अपेंड मेरा उसी फाइल में आगे जो मैं डाटा को एड करना चाहता हूँ राइट मेथड के हेल्प से लिख देता है। अगर मैं लिख दूं हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब, तो ये हेलो दोस्तों को तो रहने देगा, साथ में इसे अपेंड कर देगा फाइल में और आगे देखिए कैसे हैं आप सब, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब वही चीज आ रही, यहाँ पे क्यों नहीं आया स्क्रीन पे, कुछ क्यों प्रिंट नहीं हुआ, एज यूजुअल क्योंकि उस टाइम पे हमारा कर्सर लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका होता है, आगे कुछ रीड करने के लिए है ही नहीं, तो रीड करके स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करेगा। तो आई होप आपको 3 मोड समझ में आए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट थे ये,